कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बने हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये फैसला हुआ। सीएम नीतीश ने प्रस्ताव लाया था तो सभी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है तो बड़ा चेहरा नीतीश कुमार के करीबी मधुबनी के रहने वाले और इससे पहले राज्यसभा सांसद भी भेजा गया और अब बड़ी जिम्मेदारी संगठन के अंदर पार्टी के अंदर उनको दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फैसला हुआ है। अब कार्यकारी अध्यक्ष का वो जिम्मेदारी संभालेंगे। बात करते हैं जेडीयू के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से। संजय जी, आज बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, नीतीश कुमार ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या कहेंगे आप? मैं अपने नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा भरोसा उन्होंने जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का कोशिश प्रयास करूंगा और पार्टी बिहार के बाहर भी, नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है इस बिहार के लिए, अगर बिहार को ट्रैक पे लाए, बिहार का भला किए तो इसका मतलब देश का भला किए। और जो लोग आज घूम रहे हैं बिहार में, वो कैसा बिहार दिए थे वो सब देश का लोग जानता है। तो हम लोगों का ये प्रयास होगा कि पार्टी का विस्तार भी हो और केंद्र में जो सरकार अभी बनी है उसमें निश्चित रूप से बिहार का भी सहयोग समर्थन यहाँ से मिलता रहे। 2025 का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने एक होगी और दूसरा जेडीयू और बीजेपी का जो रिलेशन है आपके आने से और कितना प्रगाढ़ होगा, क्योंकि आपकी भूमिका बड़ी रही है इसमें। बीजेपी जेडीयू नेचुरल अलायंस है, 1996 से साथ हम लोग हैं यहाँ, समता पार्टी के टाइम से। 2005 में हम लोगों ने सरकार बदला, हम दोनों लोग साथ थे वहां पर। बिहार के बदलाव में उनका भी बड़ा सहयोग रहा है, समर्थन रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में निश्चित रूप से जो एनडीए है, बार बार हमारे नेता ने कहा भी है, पूरी मजबूती से हम लोग बिहार के लिए भी, देश के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा था जी? दूसरा मेरा सवाल है कि बीजेपी और जेडीयू का रिलेशन, मैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछा। नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो परफेक्ट रिलेशन है, मैं नेचुरल अलायंस है और बड़ा स्मूथ सब कुछ रहेगा और हमारे वर्कर से लेकर नेता तक में एक कोऑर्डिनेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का संभावना देखते हैं? नीतीश कुमार का ही नेतृत्व रहेगा एनडीए का? मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, दिल्ली के मीडिया से, खास करके जो एक नैरेटिव बनाते हैं यहां से, 177 सीट पर हम लोग लीड किए विधानसभा में। अभी जो चुनाव हुआ है 177 out of 243 में लीड किया है, 200 सीट से ऊपर जीतेंगे। बिहार का जनता का भरोसा इस गठबंधन और हमारे नेता पर है। और अभी हुआ ना भाई पार्लियामेंट का चुनाव, 40 में 30 सीट हम लोग जीते, तो बिहार ने अपना 2025 का सिग्नल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में दे दिया। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज? देखिए, वो बात करेंगे, एमिकेबली रास्ता निकाला जाएगा, नो कन्फ्रंटेशन किसी तरह का, और रास्ता बैठ करके निकालेंगे। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का हमेशा ध्यान रहा है, खास करके पूर्वी राज्यों पर, पिछड़े राज्यों पर, तो उनको, उनसे बिल्कुल हम लोग आग्रह करेंगे, उनका समर्थन सहयोग रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा। कैमरामैन विपिन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर शिवहर सांसद लवली आनंद ने बधाई दी है। बहुत ही अच्छा हुआ है और हम लोग स्वागत योग्य कदम। मैं तो लेट से आई ना, मैं लेट से आई हूँ, मुझे पता होगा क्या क्या बात रखा गया, तो उनको बहुत बहुत बधाई। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को जी को बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से, और जो भी फैसला हुआ है अच्छा है, स्वागत योग्य है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि संजय झा को जिम्मेदारी देने से बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। साथ ही जेडीयू की बैठक में विशेष राज्य के दर्जे के राजनीतिक प्रस्ताव पर अशोक चौधरी ने बताया कि ये जेडीयू की पुरानी मांग रही है। वहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाने और उसे संविधान की नवी अनुसूची में डालने की मांग पर अशोक चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार से कहा कि केंद्र सरकार से जो है वो बात होगी। संजय झा और ललन सिंह पार्टी का पक्ष पीएम के सामने रखेंगे।
हमारे संजय झा जी को जो हम लोगों के पार्टी के नेता हैं उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पार्टी के जो हर एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने उस पे संजय झा जी की भूमिका अहम होगी। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में अहम भूमिका उनकी रही है, ऐसे में जब कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे तो ये रिश्ता और कितना मजबूत होगा? रिश्ता प्रगाढ़ होगा। हम तो इनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य में भी रहेंगे, इसका ऐलान माननीय नेता ने पहले भी कहा है। तो उस रिश्ते को और प्रगाढ़ करना, पार्टी को ग्रोथ कराना, पार्टी का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, इन सब की जिम्मेवारी अब संजय झा जी के ऊपर है। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, किस पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दोनों की चर्चा की गई है कि इन दोनों में हमारा पुराना डिमांड है इसको हम लोगों को दिया जाए। आखिर में एक सवाल, नौवीं अनुसूची में जो डालने की बात कही गई है, मांग की गई है, जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था, उस पर आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, वो हम लोगों के जो नेता हैं दिल्ली में, हमारे केंद्रीय मंत्री लोग हैं, वो बात करेंगे कि इसको या तो नौवीं, हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं क्योंकि ये हमने ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने बिहार में पहली बार यूज किया है, इसीलिए इस तरह से हम हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और सरकार से भी आग्रह करें कि इसको नौवीं सूची में जाए। हम फर्म हैं कि जो जातीय जनगणना करके हमने जब आबादी हमारी बढ़ी है तो निश्चित रूप से हमारा रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत ने कहा कि संजय झा को जिम्मेदारी मिलने से पार्टी को धार मिलेगी, पार्टी ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी, काफी मजबूती मिलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनका तो बहुत सा काम रहता है, अब ये जो कार्यकारी अध्यक्ष हो गए तो पार्टी में ये अपना अधिक समय देंगे, जिससे पार्टी काफी धारदार होगा, मजबूत होगा और आगामी आने वाला लोग विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग जो है ऐतिहासिक विजय बने, हम लोग को ऐतिहासिक विजय मिलेगी जो बहुत फायदा होगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर और इस बीच कार्यकर्ताओं से हेमंत सोरेन संवाद कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चल रहे हैं। इन लोग के सामने गरीबों की आवाज उठाने की क्षमता नहीं रही, लेकिन झारखंड इतिहास बनाएगा, मूलवासी आदिवासी एक होकर हम लोगों का जो संकल्प, हमारे पूर्वजों का संकल्प था, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने का काम हम मिलकर करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अलग अलग रास्ते से आएंगे, हम लोग राजनीतिक रास्ते से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों ने संकल्प किया है, हम लोग को थोड़ा समय लगता है क्योंकि हम लोग के पास वो सोच नहीं है जो उनके जैसा सोच है। ये बन तो कार्यकर्ताओं से संवाद बातचीत कर रहे थे हेमंत सोरेन। बढ़ेंगे आगे दिल्ली में, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हुई बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव में विशेष राज्य या विशेष पैकेज का जिक्र किया गया, साथ ही बढ़े हुए आरक्षण पर भी प्रस्ताव लाया गया और इसे संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के सरकार के फैसले का स्वागत भी किया गया, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प लिया गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आस्था जताई, नीतीश के नेतृत्व में जनता के बीच जाने का संकल्प लिया गया। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर वन, नंबर दो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है, अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर तीन, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर चार, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैसेज के लिए हम लड़ते रहे।
अब जेडीयू की बैठक की मुख्य बातें क्या रही, तो बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाए गए, बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की चर्चा हुई, साथ ही बढ़े हुए आरक्षण पर भी प्रस्ताव आया। इसके साथ साथ बात करें तो एक मांग भी की गई और मांग ये हुई कि नवी अनुसूची में इसे शामिल किया जाए। आरक्षण का दायरा बढ़ाने का स्वागत भी किया गया, वहीं नीतीश के नेतृत्व में आगे बढ़ने का तर्ण भी लिया गया। तो झारखंड में पार्टी प्रत्याशी अपना उतारेगी, ये भी बात हुई। इसके साथ साथ मंत्री के कार्यक्रम की जानकारी मिले, कार्यकर्ताओं को ये जानकारी मिले, इस पर भी बातचीत हुई। वहीं बूथ स्तर पर मजबूती कैसे हो, इसको लेकर भी संकल्प लिया गया।